ट्वेल्थ क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, बी एंड सी टूगेदर इन 3 डेज एंड ए एंड सी टूगेदर इन 2 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कम्प्लीट द वर्क अलोन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 4 डेज में कम्प्लीट करता है और बी और सी दोनों एक साथ उसी काम को 3 डेज में कम्प्लीट करते हैं, और ए और सी एक साथ 2 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं काम। तो इन तीनों का एलसीएम लगा लेंगे, 4, 3 और 2 का क्या आएगा 12। ये हमारा क्या है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के अकॉर्डिंग हम टोटल वर्क से ही हम इसकी वन डे एफिशिएंसी निकालेंगे सबकी। ए की एफिशिएंसी क्या होगी 3, बी प्लस सी की वन डे एफिशिएंसी क्या होगी 4, एंड ए प्लस सी की वन डे एफिशिएंसी क्या होगी 6। इसका मतलब ए एक दिन के अंदर 3 लड्डू बना रहे हैं, बी और सी एक साथ एक दिन के अंदर 4 लड्डू बना रहे हैं, और ए और सी एक साथ एक दिन के अंदर 6 लड्डू बना रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। बी टोटल वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं चाहिए कि बी एक दिन के अंदर कितने लड्डू बना रहे हैं। यहां पर जो हमें एफिशिएंसी दी है बी और सी की एक साथ दे रखी है, बी और सी एक साथ 4 लड्डू बना रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी कैसे, ए प्लस सी हमारे पास कितना दे रखा है 6। तो ए प्लस सी एक दिन के अंदर 6 लड्डू बना रहे हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, ए एक दिन के अंदर 3 लड्डू बनाता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस सी हमें नहीं दे रखा 6, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सी कितने एक दिन के अंदर कितने लड्डू बना पा रहा है 3 लड्डू। अब सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो बी प्लस सी एक साथ एक दिन के अंदर 4 लड्डू बना रहे हैं, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी एक दिन के अंदर कितने लड्डू बना रहे हैं 3 = 4, देन इसके अकॉर्डिंग बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो बी एक दिन के अंदर 1 लड्डू बना रहा है, हमें क्या बताना है इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। बी टोटल वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है अगर वो करे। तो बी की एफिशिएंसी क्या है 1, बी एक दिन के अंदर 1 लड्डू बना रहा है, तो 12 लड्डू कितने दिन में बनाएगा 12 दिन में। तो 12 / 1 12 डेज, ये हमारा आंसर है 12 डेज। तो 12 डेज बी को लग जाएंगे टोटल वर्क कंप्लीट करने में अगर वो अकेले करेगा तो। थर्टीन क्वेश्चन, A, B and C together finish a work in 6 days. If A is twice efficient than B and B is thrice efficient than C, and in how many days B can do it alone? क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, A plus B plus C is equal to 6 days. तो A, B और C 6 दिन तक काम कर रहे हैं, और आगे इस क्वेश्चन में हमें A, B और C की तीनों की एफिशिएंसी बता रखी है। A is twice efficient than B. A की एफिशिएंसी B से 2 गुना ज्यादा है, और B is thrice efficient than C. B की एफिशिएंसी C से 3 गुना ज्यादा है। A, B, C. अगर C की एफिशिएंसी हम लेट करें 1, तो इसके अकॉर्डिंग C के अकॉर्डिंग B की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्योंकि B की एफिशिएंसी C से 3 गुना ज्यादा है, और इसके अकॉर्डिंग A की एफिशिएंसी क्या होगी 6, क्योंकि A की एफिशिएंसी B से 2 गुना ज्यादा है। तो 3 का 2 गुना करेंगे 6, 3 का 2 किया 6। तो A, B और C की हमारी ये क्या आ गई 1 डे वर्क आ गया, ये हमारा क्या है 1 डे वर्क। A एक दिन के अंदर 6 लड्डू बना रहा है, B एक दिन के अंदर 3 लड्डू बना रहा है, और C एक दिन के अंदर 1 बना रहा है। तो ए बी और सी एक दिन के अंदर एक साथ कितने लड्डू बना पा रहे हैं 10।
ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी तीनों एक साथ एक दिन के अंदर 10 लड्डू बना रहे हैं, और ए बी और सी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया? 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन में उन्होंने कितने लड्डू बनाए होंगे? 10 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 60। तो ये क्या है? टोटल वर्क। हमें इस क्वेश्चन में निकालना तो क्या था, इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू इट अलोन, बी टोटल वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर हमें टोटल वर्क पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि बी की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कि बी कितने दिन में उस टोटल वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल वर्क निकालना जरूरी था। इसको हम डेज के फार्मूले से भी निकाल सकते थे, ये तो हमने लॉजिकली निकाल दिया। तो डेज का फार्मूला हमारे से हमारा क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क था। तो डेज हमें कितने दे रखे हैं? 6 6 इजिकल टू टोटल वर्क हमें निकालना था, टोटल वर्क का टोटल ही निकलेंगे फिर। और वन डे वर्क हमारा कितना था? 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वर्क की स्पेलिंग, ओ टोटल वर्क का हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 60। तो यहां पर भी टोटल वर्क हमारा कितना निकलेगा? 60। तो लॉजिकली निकालो या फार्मूले से बात एक ही होती है। और जब हमारे पास टोटल वर्क आ गया तो हम बता सकते हैं कि बी टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक दिन के अंदर 3 बना रहा है। तो 60 लड्डू कितने दिन में बनाएगा? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क 20 डेज। हमसे सिर्फ क्वेश्चन में बी का पूछा था कि बी टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल वर्क था 60 और बी की एफिशिएंसी थी 3, क्योंकि 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है पर डे, 3 काम करता है एक दिन में। तो 60 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 20 डेज में। तो 20 डेज हमारा क्या है आंसर। फोर्टींथ क्वेश्चन, ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी कंप्लीट सम सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज विद द हेल्प ऑफ सी टुगेदर दे फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज देन हाउ मेनी डेज सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय सी अलोन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है, और ए और बी और सी अगर तीनों एक साथ काम करें तो वो सेम वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 8 डेज के अंदर। वही फिर आगे इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 16 24 8 का, तीनों का एलसीएम लिया आ गया 48 सेंटीमीटर, 48 और 48 जो हमारा एलसीएम है वो क्या होगा? हमारा टोटल वर्क। तो ए 48 वर्क 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, मीन्स कि 48 लड्डू 16 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो एक एक दिन के अंदर कितने लड्डू कंप्लीट करेगा? 3 लड्डू। अगर ए एक दिन के अंदर 3 लड्डू बनाएगा तब जाके वो 16 दिन के अंदर 48 लड्डू कंप्लीट कर पाएगा। ऐसे ही बी अगर 48 लड्डू वो 24 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन के अंदर 2। ऐसे ही अगर ये तीनों काम करें, ए बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 48 लड्डू वो 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ एक दिन के अंदर कितने लड्डू बना पाएंगे? 6। तो ये 6 क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क है, इन तीनों का 7 का एक वन डे वर्क है। तो हमें बताना क्या इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी डेज सम सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय सी अलोन, टोटल वर्क सी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अगर हमें सी की एफिशिएंसी पता होगी कि सी एक दिन के अंदर कितने लड्डू बना पा रहा है, तब हम बता पाएंगे कि सी 48 लड्डू कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर पाएगा। तो इसकी सबसे पहले हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। हमें एफिशिएंसी टोटल दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की 6, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है?
3 और B की एफिशिएंसी 2 दे रखी है प्लस C इज इक्वल टू 6। तो इससे हम C की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, C की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब C एक दिन के अंदर एक लड्डू बना पा रहा है, तो 48 लड्डू बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 48 डेज। तो 48 डिवाइड बाय 1, 48 डेज ही लगेंगे उसको बनाने में, क्योंकि वो एक दिन के अंदर एक ही लड्डू बना पा रहा है। तो 48 दिन में 48 लड्डू बना पाएगा। तो वही फार्मूला हमने इसमें लगाया कि डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क। 48 डेज हमारा क्या है आंसर। सो गाइज, इफ यू रियली लाइक इट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट मोर वीडियोज अपडेट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन मेल मी ऑन studybomb16@gmail.com।